अरे भाई, हमेशा सिर्फ मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी के रूप में क्यों देखा जाता है? मुझे कांग्रेस ने सेंट्रल टीम का, पीसीसी का जो वॉर रूम है, उसका को चेयरमैन भी तो बना रखा है। आगे चुनाव हैं, अब चुनाव में हमें जाना है, एकजुट होके जाना है, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने सचिन जी के पास आए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो इनकी जो सलाह है, इनका जो मार्गदर्शन है, उसी से आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलके, है ना? तो आज की मुलाकात के कुछ ऐसा बड़े कुछ पॉइंट्स अगर आप? नहीं, पॉइंट्स तो क्या, जो बात थी वो मैंने बता दी कि भाई अब आगे हम चुनाव में जा रहे हैं, तो किस तरीके से हम सब लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे हम लोग। देखिए, लोकेश शर्मा को आप सुन रहे थे, और कुछ देर पहले ही हमारे ब्यूरो चीफ नरेश जी बता रहे थे कि जब मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी प्रतिक्रिया इस मुलाकात को लेकर देंगे। नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, मीडिया को प्रतिक्रिया लोकेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में दी। उन्होंने कहा कि हर बार सीएम अशोक गहलोत के पदाधिकारी के तौर पर क्यों देखते हैं, चुनावों में जाने वाले हैं और ऐसे में तो मुलाकातें होती रहेंगी अनुभवी नेताओं के साथ, सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं। क्या लगता है इस बयान के बाद? जैसे देखिए, लोकेश शर्मा से मैंने कहा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, तो उनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक है जी। जो बोला गया है वो है नहीं, जो है वो उन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि जो मुलाकात है वो सीधे सीधे जो है वो है उम्मीदवारी को लेके हुई है, अपनी उम्मीदवारी को लेके उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने सहयोग भी मांगा है कि उनकी मदद करें, क्योंकि युवा है वो भी, अब चाहते हैं कि उनको भी एक विधायक के रूप में आगे उनको मौका मिले। तो सचिन पायलट जो क्या कहा वो तो अभी, क्योंकि जब लोकेश शर्मा जब गए वहाँ अलग अलग स्थानों से लड़ेंगे और जहाँ आपकी सक्रियता भी रही है, परंतु बीकानेर से जो बीडी गल्ला खुद कह चुके हैं कि मैं तो लड़ूंगा, दमखम पूरा दिखा रहा हूँ, मैं जवान हूँ अभी भी। तो लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को चुनाव में पार्टी की तरफ से जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको टिकट मांगने का अधिकार है, तो टिकट मांगने से तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कहीं पे भी हम भी टिकट मांग रहे हैं। गल्ला जी खुद कह रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा, तो बहुत अच्छी बात है ना, पार्टी जिसको भी अवसर देगी हम सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। आप लगातार मुख्यमंत्री के साथ है, आज सचिन पायलट के दर पर है, क्या कहना है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने अभी अभी कहा कि हमेशा सिर्फ मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के रूप में देखा जाना या उसके बारे में बात करना कि आप विशेषाधिकारी है यहाँ क्यों। अब मुझे पार्टी ने एक और जिम्मेदारी दे रखी है, मुझे सेंट्रल वॉर रूम का को चेयरमैन बना रखा है, तो आगे हम चुनावों में जा रहे हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, क्या और सुझाव हमें मिल सकते हैं, कैसे और मजबूती से हम काम कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हुए हमें कांग्रेस की सरकार की वापसी करवानी है हर हाल में, तो सबके सहयोग से, सबके सुझावों से और सबके मार्गदर्शन से ही आगे का चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसी उद्देश्य से आप। तो एक बार फिर से आप लोकेश शर्मा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हर बार सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी के तौर पर देखना ये मुनासिब नहीं होगा, राजनीतिक समय है। नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, फिर से अपनी बात को दोहराया लोकेश शर्मा ने, और बार बार मीडिया जब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रही है तो बीकानेर की सीट का जिक्र जुबा पर आ ही गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए उन्होंने धीरे से जो उनकी जुबा पे वो बात आ गई, हालांकि उन्होंने फिर उसको संभाला। उन्होंने कहा दावेदारी जताने का हक हर किसी को है, और वो भी अपनी दावेदारी जताते हैं तो गलत क्या है, और टिकट मांगने का हक सभी को है, तो यही हुआ है, टिकट मांगी गई है, अपनी दावेदारी जताई गई है। अब पार्टी क्या फैसला करती है, चाहे वो बीकानेर की बात हो चाहे भीलवाड़ा की हो, ये तो पार्टी का फैसला होगा। लेकिन देखिए, हर कोई कोशिश करता है, और जैसे लोकेश शर्मा ने कहा कि उनको सिर्फ इस नजरिए से ना देखा जाए कि वो सीएम की ओएसडी है, तो इसी कारण से हर कोई जो है अपना प्रयास करता है और टिकट लेने के लिए, और उस प्रयास में वो हर उस नेता से मिलता भी है जिसका प्रभाव हो टिकट वितरण में, जिनकी राय जानी जाती है। तो चूंकि बाकी नेता से तो अशोक गहलोत हो चाहे अन्य नेता हो, उनसे लोकेश शर्मा मिल चुके हैं, सचिन पायलट से वो नहीं मिले थे, तो ऐसे में इस मुलाकात को देखिए, जैसे मैंने कहा पहले भी कि राजनीति है, पल पल बदलती है। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ आके प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो फिर अगर लोकेश शर्मा मिलते हैं तो क्या हर्ज है, कि लोकेश शर्मा भी जो है वो कह सकते कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको भी जिम्मेदारी जो है वो मिली है कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी अगर दावेदारी जताते हुए अगर विभिन्न नेताओं से मिल रहे हैं तो ये राजनीति में होता है। लेकिन चूंकि 5 साल में ये पहली मुलाकात है, और लोकेश शर्मा को सिर्फ सीएम के ओएसडी के रूप में ही फिलहाल जाना जाता है, और जो फोन टैपिंग मामले में लगातार जिस तरह से चर्चा में रहे,
वो भी मामला जो है वो इस पूरे सियासी घटनाक्रम का ही था। तो सियासी घटनाक्रम में भी लोकेश शर्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका तब रही थी और उसी के मद्देनजर उनका नाम लगातार देखा जाता है। लेकिन पिछले काफी समय से वो लगातार सक्रिय रहे, खास कई दौरे उन्होंने बीकानेर में किए थे। आपको ध्यान होगा कि बीडी कल्ला भी इससे लगभग परेशान थे, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी और बयान भी आया था कि सरकारी जो कर्मचारी है वो चुनाव में कैसे आ सकता है, जबकि लोकेश शर्मा कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो देखिए अब जब टिकट जो है वो घोषित होने लगी है, पहली सूची आ गई है, दूसरी सूची भी आने वाली है, तो ऐसे में हर कोई प्रयास करता है। उसी प्रयास के तहत लोकेश शर्मा सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सचिन पायलट की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या ये कहा गया है कि अगर कोई आपका नाम आता है तो मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं किसी और का नाम नहीं कहूंगा, क्या ये आश्वासन मिला है कि वो भी अपनी तरफ से युवा चेहरे के तौर पर लोकेश शर्मा का नाम आगे बढ़ाएंगे, ये तो इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, क्या संदेश लोकेश शर्मा को मिला था कि किस मुद्दे पे जाके सचिन पायलट से है वो बात करनी है। लेकिन बिना संदेश मिले लोकेश शर्मा सचिन पायलट के यहाँ नहीं आने वाले। उनको कोई संदेश मिला है कि हाँ आप मिलिए जाइए, उसके बाद हरी झंडी लेकर, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरी झंडी लेकर ही लोकेश शर्मा है वो यहाँ पे आए हैं। तो ये इसलिए आज की जो कह सकते हैं कि आज की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है वो सचिन पायलट से मिलने आए। उन्होंने अपनी बात कही, हालांकि उन्होंने बात कही है कि वो कांग्रेस के वॉर रूम के को चेयरमैन हैं, तो उस नाते वो आए हैं। तो देखिए इससे पहले भी जो है वो कह सकते हैं कि इससे पहले भी वॉर रूम में लोकेश शर्मा रहे हैं और सचिन पायलट भी कई बार गए, लेकिन तब इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई। आज उनके बंगले पे आना और सुबह की ये जो मुलाकात है वो रूम के मुलाकात नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक बयान होता है इस तरह का। बातें जो है वो बंद कमरे में हुई है और सीधा सदा ये है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है और उसके लिए सहयोग मांगा है। और जिस तरह से आपने सुना लोकेश शर्मा के बयान में कि वो सचिन पायलट वरिष्ठ नेता है, उनका मार्गदर्शन लेने आए हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार भी काम किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है ये राजनीति में जो पल पल बदलते घटनाक्रम है उनका एक उदाहरण है। तो अब देखना ये होगा कि क्या अगली जो सूची आती है उनमें लोकेश शर्मा का चेहरा शामिल होगा, उनका नाम शामिल होगा। अगर उनका नाम शामिल होता है तो किसका टिकट कटता है, क्या जो सर्वे के आधार पे जहां लगता था कि कोई मंत्री है या कोई जो पूर्व उम्मीदवार है वो कमजोर है उसकी जगह लोकेश को मौका। बिल्कुल नरेश जी आप ठीक कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी क्योंकि सर्वे का आपने जिक्र किया और कल की सूची में सर्वे पर किए गए दावे तो धरे रह गए, लेकिन अब हो सकता है कि दूसरी सूची में अगर बदलाव किया जाता है